हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से मैं आज आपको एक नया अपडेट देने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। तो इस वक्त मैं हूं कुर्सेला गंगा नदी के पास, और आप देख सकते हैं कुर्सेला जो गंगा नदी का जो पानी है वो चारों तरफ जो है फैल चुका है। और आप देख सकते हैं ब्रिज भी जो है, ब्रिज का जो पाया है वो आधा से ऊपर जो है डूब चुका है। और देख सकते हैं पानी का जो लेवल भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, और जहाँ दूर दूर तक जहाँ तक आप नज़र घुमाएंगे सिर्फ आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। और हर साल इसी तरह जो है बाढ़ के पानी के कारण जो है पूरी तरह से जो है खेत खलिहान जो है बर्बाद हो जाता है, और किसान को जो है हर साल इसी तरह जो है नुकसान जो है झेलना पड़ता है और सहना पड़ता है। देख सकते हैं पानी का जो नज़ारा है वो आप देख सकते हैं, कितना जो है काफ़ी डरावना लग रहा है देखने में। और जिधर देखेंगे आप उधर सिर्फ पानी ही पानी आपको चारों तरफ जो नज़र आएगा। हर साल जो है लोग बाढ़ के पानी के कारण जो है लोग अपने ही घर से जो बेघर हो जाते हैं, और लोग जो है अपने घर से जो है दूसरी जगह जो है जाने को मजबूर हो जाते हैं, दूसरी जगह जो है जाने को प्लान करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई जो है सुविधा नहीं होने के कारण जो है लोग दूसरी जगह प्लान करने को, दूसरी जगह रहने को जो है मजबूर हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जो है पानी का जो स्थिति है काफ़ी जो है भयानक स्थिति है। और जब देख सकते हैं वो जो ट्रेन जो जा रही है वो कटिहार की ओर जो है ट्रेन जा रही है, और आप देख सकते हैं चारों बगल जो है पानी ही पानी से, बीच से जो है ट्रैक जैसे रेलवे का ट्रैक अब बचा हुआ है, और जो है बाय रोड जो सड़क जो है वो रोड बचा हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको जो है पूरा जो है क्लियर आपको जो नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, और बीच में ट्रैक से बचा हुआ जो रेलवे का जो ट्रैक है वो जो है सिर्फ बचा हुआ है। आप सोच सकते हैं कि लोगों को हर साल जो है लोगों को कितना जो है हर साल नुकसान होता है, और कितना जो लोगों को जो है इस तरह का जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस बाढ़ के पानी के जो हर साल आ जाने से, और बाढ़ के पानी के कारण जो लोगों को काफ़ी जो है दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ता है। देख सकते हैं पानी का जो स्थिति है काफ़ी जो है पानी का लेवल भी जो है काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो चलिए मैं आज आपको एक न्यू ब्रिज का जो है अपडेट देने वाला हूं, जो कि भागलपुर विक्रमशिला सेतु पर जो है गंगा के ऊपर जो बनाया जा रहा है, तो उसका अपडेट देने वाला हूं। तो बने रहिए आप मेरे साथ, अब पूरा का पूरा वीडियो देखिए। तो मैं अब आ चुका हूं भागलपुर के विक्रमशिला ब्रिज के ऊपर, और आप देख सकते हैं जो न्यू ब्रिज का जो काम है, 4 लाइन का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मशीन सब जो है तैनात भी कर दिया गया है, और पिलर वगैरह का जो काम है वो भी जो है थोड़ा बहुत कर लिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ जो है पिलर का भी काम जो है स्टार्ट हो चुका है, और आधा नहीं मतलब थोड़ा बहुत जो है पिलर का काम, जैसे अभी रड वगैरह का जो काम है वो सारा काम अभी जो है चालू हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा जो है कंस्ट्रक्शन का जो भी जो सामान वगैरह मटेरियल्स है वो सब जो है गंगा किनारे के जो साइड में जो है वो रखा गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है काम जो है स्टार्ट भी हो चुका है, पिलर का काम जो है शुरुआत हो चुका है। भागलपुर वासियों को एक और नया रास्ता मिलने वाला है। भागलपुर में गंगा नदी के ऊपर जो विक्रमशिला सेतु 4 लाइन बनाया जा रहा है, इस ब्रिज के बन जाने से जो है जाम की समस्याओं से लोगों को छुटकारा मिलने वाला है। और इस पूरे प्रोजेक्ट का जो बनाने का जो काम दिया गया है वो है मेसर्स LNT लिमिटेड चेन्नई को दिया गया है, और इसकी टोटल लागत की जो बात करूं तो 838 करोड़ की लागत से जो है बनाया जा रहा है। और इसका जो समय सीमा जो रखा गया वो 4 साल समय सीमा रखा गया है, और इसका टोटल लेंथ जो दूरी है अप्रोक्स 5 किलोमीटर के आसपास में जो है दूरी है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं सफ़र। अगर आप सब मेरे चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप सब अपना इसी तरह ढेर सारा प्यार देते रहिए ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप सबके लिए मैं बना सकूँ।